हेलो एवरीवन। तो मम्मी यहाँ पे गाजर को अभी कद्दूकस कर रही है। देखो, अगर सर्दियों में गाजर का हलवा नहीं खाया तो क्या कुछ भी नहीं खाया। खाया। और सर्दियों में स्पेशली सभी के घर में गाजर का हलवा बनता है। भाई भी आ चुका है, ये बस अभी चलाने में थोड़ी सी हेल्प कर रहा है इसे इधर से उधर। और सच में गाजर कसने बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं और आज हमारे घर में बन रहा है गाजर का हलवा। तो गाजर का हलवा बना रहे हैं मम्मी और साथ में मैं और भाई भी हेल्प कर रहे हैं गाजर को कसने में या उसे ग्रेट करने में। तो अभी चलते हैं देखने किचन में कि कितनी प्रिपरेशन हो गई है और कैसे कैसे हलवा बन उसकी तैयारी हो रही है हलवे की। तो मम्मी से पूछते हैं। ये अपने किचन में और ये है मम्मी। हेलो एवरीवन। तो मम्मी यहाँ पे गाजर को अभी कद्दूकस कर रही है, देखो ग्रेट कर रही है। अभी मम्मी कर रही है, इससे पहले भाई कर रहा था, फिर अब मैं करूँगी थोड़ा, क्योंकि और ये थोड़ा सा हमने कढ़ाई में भी रख दिया जो कि दूध में पक रहा है अभी, उसके बाद में ये वाला भी डाल देंगे। और मम्मी कितने केजी का बना रहे हैं हलवा? 5 केजी का, तो गाइस हम 5 केजी का हलवा बना रहे, 5 केजी गाजर का हलवा बना रहे हैं। क्योंकि परिवार बड़ा है और पड़ोसियों को भी देना पड़ता है। क्योंकि गाइस आज अगर सर्दियों कुछ में गाजर का हलवा नहीं खाया तो क्या भी नहीं खाया। खाया। और सर्दियों में स्पेशली सभी के घर में गाजर का हलवा बनता है और पंजीरी भी बनती है, जो पंजीरी भी हम अभी थोड़े दिनों बाद बनाएंगे, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे वो कैसे बनाती है मम्मी। तो जब गाजर का हलवा बनता है हर घर में, जब भी तो लगता है कि सर्दी आ चुकी है। और ये जितनी भी गाजर है सब भाई कसेगा, इन सब को ग्रेट करेगा। और कढ़ाई में थोड़ी सी हमने रख दिया पकाने के लिए, यहाँ पे पक रही है धीरे धीरे, ये दूध में डाली हुई है अभी। और गाजर का हलवा बनाने में हमें कम से कम 2 से 3 घंटे लगेंगे। आगे का प्रोसेस जैसे जैसे होगा आपके साथ पूरा शेयर करेंगे और मम्मी बनाई बताएगी आपको कैसे बनाते हैं। मम्मी बताओगे ना इसको आगे, जब तक चलाएंगे जब तक इसमें दूध पूरी तरह से अब्जॉर्ब नहीं हो जाता, फिर उसके बाद में आगे मम्मी बताएंगी वो इसमें क्या क्या डालेंगी और कैसे कैसे पूरा बनेगा। गाइस अब मेरी टर्न आ चुकी है गाजर को ग्रेट करने के लिए। तो अब मैं यहाँ पे गाजर को कस रही हूँ और सच में गाजर कसने बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, हाथ भी दर्द हो जाते हैं। गाजर का हलवा कोई ऐसा ही नहीं है कि ऐसे ही 2 मिनट में बन जाता है, इसमें बहुत टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा मेहनत का होता है गाजर का हलवा। तो बस हमारा ऑलमोस्ट गाजर कसने का काम हो ही गया है। एंड यहाँ पे देखिए हमारी जो कढ़ाई में गाजर है उसका रंग ऑरेंज ऑरेंज हो गया है, जो कि दूध में पक रही है अभी बहुत ही अच्छे से, और थोड़ी देर और पकाएंगे जब तक इसका दूध नहीं सूखता है, फिर आगे का आपको बताते हैं मॉम। सो गाइस, गाजर का हलवा जितना ज़्यादा टेस्टी होता है ना उतनी ज़्यादा इसमें मेहनत भी लगती है, इसलिए जिस काम में मेहनत ज़्यादा लगती है वो काम होता भी अच्छा है। और जैसे कि इसमें मेहनत ज़्यादा लग रही है तो उतना टेस्टी भी होगा। तो अभी 1 घंटा तो इसे पकते पकते हो चुका है मम्मी, और कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा और। 1 घंटा और, तो क्योंकि हमारी गाजर भी ज़्यादा थी इस वजह से इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है बनने में, और देख सकते हैं कितनी बड़ी कढ़ाई में बना रहे हैं हम, इसलिए इसे ज़्यादा टाइम लग रहा है बनाने में। तो देखते आगे का प्रोसेस क्या होता है।
इसमें और क्या क्या डलेगा, कैसे कैसे ट्राई। और कितना सुंदर कलर आया ना मम्मी, सुंदर ये देखो कितना कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वाओ, अभी तो इसमें चीनी पड़। दोस्तों मैं यहाँ पे बादाम काट रही हूँ और इसमें अखरोट भी काटेंगे और क्या क्या हमने हमारा ड्राई फ्रूट में, नारियल है, किशमिश है, काजू है, बादाम है। तो अभी मैं बादाम काट रही हूँ, उसके बाद में और सब ड्राई फ्रूट्स को कटिंग करेंगे और हम हलवे में डालेंगे। अब इसमें मम्मी ने चीरी डाल दी। ड्राई फ्रूट कब डालेंगे मम्मी? थोड़ी देर में। कब? जब ये थोड़ा पक जाएगा। अभी तो पूरा रेड रेड हो जाएगा ना, खुशबू तो अभी से आने लग गई है इसमें। और मम्मी बहुत ही ज्यादा टेस्टी टेस्टी सारी चीजें बनाती है, स्पेशली जो भी है मिठाई वगैरह में से मम्मी को हर चीज आता है, एकदम मल्टी टैलेंटेड है और बनाती भी एकदम टेस्टी है सब कुछ। यूपी का इसम, यूपी के रहने वाले हैं। हाँ, और यूपी वालों की तो बात ही अलग है। यूपी है। आओ, कितना सुंदर कलर आ रही है अभी से ही। शाम के 4 बज चुके हैं और हमारा हलवा अभी भी बन रहा है, तो आप देख सकते हो अभी ऐसा हो गया है इसका कलर। ये हमने मम्मी ने 1.5 बजे बनाना स्टार्ट किया था और अभी शाम के 4 बज चुके हैं, तो देख लो कितना टाइम लगता है, पहले ग्रेट करने में, फिर उसके बाद में पकाने में। एक्चुअली हमारा हलवा ज़्यादा था, दैट्स वाई इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है, वरना अब तक तो शायद पक जाता और बन भी जाता और हम खा रहे होते। सो अभी भी थोड़ा सा टाइम है बनने में, देखते हैं कब तक बनेगा। और अभी भाई भी आ चुका है, ये बस अभी चलाने में थोड़ी सी हेल्प कर रहा है, इसे इधर से उधर घुमाने के लिए। इसने भी थोड़ी सी हेल्प कराई थी गाजर को कसने के लिए। तो वाओ, कितनी अच्छी स्मेल आ रही है, कैसा लग रहा रोहित? देर लगेगी इसे बनने में? हमारा हलवे को 4 घंटे तो हो ही गए हैं बनने में। इतना टाइम लगता है मम्मी? 4 घंटे ज़्यादा के वजह से लग रहा है, वरना अब तक तो बन जाता। अच्छा जी। हलवा रेडी हो चुका है बिल्कुल बनकर और देखो कितना अच्छा लग रहा है, वाओ। सबसे पहले लड्डू को भोग लगा रहे हैं हलवे का। सबसे पहले हमारे लड्डू खाएंगे, उसके बाद हम खाएंगे जी। और मम्मी अभी जा रही है वॉक पर, ये अभी पहन रही हैं शूज, यहाँ पे शूज, और ये रेडी हो रही है वॉक पे जाने के लिए। मम्मी डेली वॉक करती है, मॉर्निंग में भी एंड इवनिंग में भी। मम्मी अब कितना वॉक करते हो, कितने किलोमीटर वॉक करते हो? 5 किलोमीटर्स वॉक। तो मम्मी अब जा रही है वॉक के लिए और अभी हमने डिनर कर लिया है, तो सोच रहे हैं अब थोड़ा डेजर्ट में, आज मम्मी ने हलवा बनाया तो क्यों ना हलवा खाया जाए। और अभी यहाँ पे मैंने सबके लिए यहाँ पे मैंने सर्व कर दिया है और अभी अंदर लेके चलते हैं। वैसे तो हलवा देखने में तो बहुत टेस्टी लग रहा है, मम्मी बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनाती है, तो सबका पूछते हैं कि पापा से पूछते हैं, भाई से पूछते हैं उन्हें कैसा लग रहा है। तो अभी अंदर लेके चलते हैं और देखते हैं कैसे बताते हैं हलवे को। तो अभी हम चलते हैं। सो गाइज, इसमें मम्मी ने ड्राई फ्रूट्स एंड जो खोया होता है, जो दूध को पकाकर बनाते हैं खोए को, वो भी इसमें डाला था। खोया भी वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, इसलिए मैं आपको वॉइस ओवर करके बता रही हूँ, जिससे कि आप लोगों को भी पता चल जाए और आप भी डाल सकें अपने हलवे बनाने में। बैठिए रजाई में। ओ पापा, यहाँ लीजिए आप लोगों के लिए हलवा। हम तो कब से इंतजार में थे गाजर के। हलवा है रेडी, वो ऐड आता है ना। लाओ जी लाओ, हम तो बहुत इंतजार में थे इसके। ऐड आता ना, हलवा है रेडी। तो पापा खा के बताओगे कैसा लग रहा है, कैसा लगा? वाह, क्या हलवा बनाया है, बहुत अच्छी चीज है। कैसा लग रहा है? अच्छा है। मम्मी से पूछते हैं, मम्मी ने तो अच्छा बनाया, तो मम्मी को तो अच्छा ही लगेगा। बहुत भाई, बहुत टेस्टी है हलवा है। भाई से पूछते हैं, भाई कैसा लग रहा है तेरे को? बहुत अच्छा बनाया है। ओके, ले लिया तेरे को। तो अब मैं भी जरा टेस्ट करके देखती हूँ मुझे कैसा लग रहा है, खा के देखती हूँ कैसा लगता है। बहुत अच्छा बना मेरा। और लड्डू को हमने पहले दे दिया था, तो
हमारे लड्डू यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने पहले ही कर लिया था, इन्होंने डिनर भी कर लिया और अभी यहाँ बैठे हुए हैं ये रहे। तो गाइज अगर आपको मेरा ब्लॉग आज का अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और ऐसे ही और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आपके लिए आएंगे। प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा अच्छे से भर भर कर और कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, गुड नाइट गाइस।